नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई सफल होना स्टार्ट कर देता है तो उससे लोगों की ईर्ष्या, यानी कि जो उससे जलने की भावना है, वो अपने आप आने लगती है। दोस्तों, कुछ भारत के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, दरअसल क्या है कि यूरोपियन यूनियन, जो अभी तक भारत के लिए बहुत अच्छा था, अब भारत के लिए अचानक से उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे भारत की इकोनॉमी को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। दरअसल पूरी खबर क्या है, आइए दोस्तों विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, दरअसल यूरोपियन यूनियन ने अभी एक ये फैसला लिया है 11 अप्रैल को कि वो 20 मई से किसी भी देश को अपने यहाँ का स्क्रैप नहीं बेचेंगे, कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। स्क्रैप का मतलब ये होता है कि वैसे देखने में तो अच्छा लग रहा है कि वो अपने यहाँ का कूड़ा कबाड़ किसी को नहीं बेचेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, बात ये है कि उनका जो ये स्क्रैप है, ये कोई ऐसा रद्दी नहीं है, ये सारा आयरन, स्टील, ये सारी चीज़ों का स्क्रैप है, और ये एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरे देश इससे स्टील बनाते हैं। तो भारत स्क्रैप परचेजर है, ये समझ लीजिए कि भारत वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है स्क्रैप का। अब दोस्तों, जब भारत की ये समझ ली कि स्टील इंडस्ट्री ही पूरी इस पर डिपेंड करती है, अब उन्होंने इसको क्या रीज़न दिया है कि हम ये नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, उनका ये कहना है यूरोपियन यूनियन का कि जो भी चीज़ें जो पर्यावरण है उसको दूषित करता है, उसको गर्म करता है, तो ऐसी चीज़ को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उसमें से स्क्रैप भी एक चीज़ है। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि स्क्रैप को इस स्टील में कन्वर्ट करने में जो प्रोसेसिंग होती है, इससे उतनी ज़्यादा चीज़ें दूषित नहीं होती पर्यावरण में, जितना कि नॉर्मल ऐसे स्टील पे काम करने पे होता है। तो दोस्तों, एक तो ये चीज़ है यूरोपियन यूनियन का, दरअसल ये तो कहने की बात है, लेकिन एक्चुअल में उसका दर्द कहीं और है। भारत बहुत ही बड़ा मार्केट है और भारत की इकॉनमी भी बहुत अच्छे चल रही है, ग्रोइंग इकॉनमी है। अब दोस्तों, क्या है कि यूरोपियन यूनियन भारत के साथ एक FTA चाहता है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत भी चल रही है। दरअसल यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि भारत की जो मार्केट है उसका एक्सेस हमारी कंपनियों को मिल जाए और उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कंडीशन ना हो, यह यूरोपियन यूनियन चाहता है। हालांकि वो भारत की कंपनियों को भी यूरोपियन यूनियन अपनी मार्केट का एक्सेस देने के लिए रेडी है बिना किसी शर्त के। अब दोस्तों, बिना किसी शर्त के कोई भी कंपनी हमारे यहाँ आ जाएगी तो वो हमारे मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। तो भारत ने ये सुझाव दिया है कि कुछ शर्तों के साथ हम आपकी कंपनी को अपने यहाँ मार्केट का एक्सेस देते हैं, और कुछ शर्तों के साथ आप हमारी कंपनियों को भी अपनी मार्केट का एक्सेस दे दिए, जिससे कि सब कुछ बैलेंस बना रहे। अभी होगा क्या दोस्तों, यूरोपियन कंपनी जो है वो इंडिया में डायरेक्टली आ जाएंगी, वो पूरा मार्केट भारत का पकड़ लेंगी, पूरी की पूरी मार्केट जब उनके पास चली जाएगी तो हमारे जो व्यापारी, उनको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर उनके कंपनियों को एंट्री ना हो, और जिस पे जो जिन प्रोडक्ट्स पे हमारे भी जो मैन्युफैक्चरर हैं और जो व्यापारी हैं वो मजबूत हैं उन चीज़ों पे, उस पर आप अपनी कंपनियों को ले आइए और हमारे साथ एक कंपटीशन करिए। आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो जनता आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगी, क्या इंडिया का प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो इंडिया के प्रोडक्ट को यूज करेगी भारत की जनता। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है पूरी इकॉनमी की। अब उसको कुछ भी वो नाम दे रहे हैं कि हम इस रीजन से इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दरअसल ये सब कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ठीक है, भारत ने भी इसका तोड़ निकालना शुरू कर दिया है। दरअसल बात ये है कि जब कहीं से हमारी को कोई चीज़ मिलनी बंद हो जाएगी और हमारी इंडस्ट्री ही डिपेंड उस पर करती है, समझ लीजिए कि भारत को 25 लाख टन की ज़रूरत होती है स्क्रैप की। ये आंकड़ा मैंने सिर्फ आपको पिछले 4 महीने का बताया है, पिछले 4 महीने इतना यूज कर लिया, तो यानी कि बहुत हमें ज़रूरत है, हमारी पूरी इंडस्ट्री ही चल रही। इसलिए भारत ने UAE से बात करनी स्टार्ट कर दी है, साथ ही साथ उसने
अफ्रीका के कुछ देश हैं जिनसे बात करनी स्टार्ट करी साथ, और जैसे कि अगर ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया की तरफ आगे जाएं तो पापुआ न्यू गिनी एक देश है, उससे भी बात स्टार्ट भारत ने कर दी है अपने स्क्रैप परचेज के लिए, ताकि हमको स्क्रैप वहाँ से मिले जिससे हम स्टील बनाएं, वो हमारे लिए थोड़ी कॉस्ट को बचा देता है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी इतना दूषित नहीं करता, बहुत ज़्यादा उसमें पानी भी नहीं लगता है, तो स्टील वो बन के रेडी हो जाता है। तो दोस्तों कुछ चीज़ों के लिए तो ये हमारे लिए गलत है लेकिन ठीक है। एक चीज़ ये भी अच्छी कि हमारी एक ही जगह डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है यूरोप में, वो अब कम हो जाएगी, उसके साथ ही अब हम कुछ अलग अलग देशों से वही स्क्रैप को परचेस करेंगे जिससे कि हमारी एक देश पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ये भारत के लिए एक झटका है तो कहीं ना कहीं एक अवसर भी है, इससे हम दूसरे देशों के साथ अपने और संबंधों को अच्छा करेंगे और हमें मार्केट भी हमारी डाइवर्सिफाई हो जाएगी, कई जगह से हमें चीज़ें मिलेंगी, किसी एक पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। दोस्तों अब इस पे कुछ भी अपडेटेड न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।